हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष मीना, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। फ्रेंड्स, लास्ट वीक मार्केट के लिए काफी शानदार रहा। निफ्टी और सेंसेक्स हर दिन तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे और एट द एंड ऑफ द वीक निफ्टी और सेंसेक्स में करीबन 4.5-5% की तेजी देखने को मिली। अच्छी बात ये थी कि मार्केट के दो इम्पोर्टेंट इंजन IT और बैंकिंग दोनों ने आउट परफॉर्म किया। जहां निफ्टी IT में करीबन 8.5% की तेजी देखी गई, वहीं बैंक निफ्टी करीबन 7% की तेजी के साथ बंद हुआ। एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर ये था कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया। जहां निफ्टी और सेंसेक्स में शानदार तेजी थी, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पर बंद हुए हैं। आने वाला टाइम मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक लंबी तेजी के बाद हो सकता है निफ्टी और सेंसेक्स में कंसोलिडेशन या हल्का करेक्शन देखने को मिले, तो उस समय स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना होगा। अगर ऐसा होता है तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए काफी हेल्दी साइन होगा। वहीं अगर निफ्टी और सेंसेक्स में कंसोलिडेशन या करेक्शन देखने को मिलता है और इसके दौरान स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट आती है, तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए एक वार्निंग साइन होगा। डेटा की बात करें तो लास्ट वीक FIIs ने करीबन 3400 करोड़ की खरीदारी की, वहीं DIIs ने करीबन 2400 करोड़ की बिकवाली की। FIIs का इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग एक्सपोजर 72% पर है, वहीं पुट कॉल रेशियो 1.60 पर है। तो ये दोनों डेटा मार्केट के थोड़ा ओवरबॉट होने के इंडिकेशंस देते हैं। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, जहां 11930 इमीडिएट हर्डल है। इसके ऊपर 12010 से 12100 का एरिया क्रिटिकल सप्लाई जोन रहेगा, क्योंकि फरवरी में जो गिरावट की शुरुआत हुई थी वो इसी जोन से हुई थी। 12100 के ऊपर ट्रेड करने पर हम नए हाई की उम्मीद कर सकते हैं, जहां 12250 इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे की ओर 11800 से 11600 का एरिया अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 11600 के नीचे ट्रेड करने पर ही हम रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज 23800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। लास्ट टाइम जब बैंक निफ्टी में रिवर्सल आया था तो अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से ही आया था। अगर ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब रहता है तो हम 25,000 से 25,200 की तरफ जा सकते हैं, और 25,200 के ऊपर निकलने पर बैंक निफ्टी में रियल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। नीचे की ओर 23,200 से 23,000 का जोन इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वहीं 22,500 से 22,000 का जो जोन है वो क्रिटिकल सपोर्ट जोन रहेगा। नेक्स्ट वीक की क्यूज की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स, FIIs का बिहेवियर, US इलेक्शन रिलेटेड न्यूज, कोरोना वायरस और वैक्सीन रिलेटेड अपडेट कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे। इसके अलावा IT सेक्टर की दिग्गज कंपनियां विप्रो, इंफोसिस और HCLTech अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। तो ये था इस वीक का मार्केट सेटअप। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। हैव अ ग्रेट वीक अहेड।